जी इस वक्त हम मौजूद हैं राम मंदिर सैदपुर विलेज में। आइए, यहाँ के सुपरवाइजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इसके बारे में, इसकी क्या हिस्ट्री है, और ये हमें यहाँ पर विजिट भी करवाएंगे और एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका क्या बैकग्राउंड है? इसकी हिस्ट्री सर ये है कि 500 साल पुराना मंदिर है। अच्छा ठीक है, गाँव भी 500 साल पुराना है। मंदिर जो है मान सिंह ने बनवाया था। अच्छा, ये अकबर बादशाह का जो आर्मी चीफ था ना मान सिंह, उसने ये बिल्डिंग बनवाई थी। तो आप हमें विजिट करवा सकते हैं? हाँ जी। बताइएगा मुझे ये क्या चीज़ थी? ये मंदिर था ना मान सिंह, साउथ इंडियन तामिल टेंपल है ये। अच्छा तामिल टेंपल, चलें इसको भी हम विजिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? जी जी दिखाइएगा ज़रा। ये आप हमारे कब में देख सकते हैं, ये एक मंदिर है और ये यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती होती थी। ये मुख्तलिफ जगह है जहाँ पर मूर्तियों को रखा जाता था। और आप बाहर आए जरा। अच्छा बताइएगा इस जगह पर क्या चीज़ लोकेटेड थी? ये सर धर्मशाला थी इनकी। अच्छा। मुजफ्फरखाना जराए हॉस्टल कम्युनिटी सेंटर, 47 के बाद ये स्कूल बन गया था। मेरे दादा वाले तो मैं इस स्कूल में पढ़े, ये हमारे बुजुर्गों ने गांव आबाद किया था राजा सैयद सुल्तान ने। ठीक। शायद उनका नाम था सुल्तान लकब था, मुगल बादशाहों की तरफ से मिला था। ठीक है, अभी हम आगे भी विजिट करते हैं, अभी क्या दिखाने लगे? जी बताइएगा इसके बारे में ज़रा हमें। ये लशारी साहब जो है ना, कमरान लशारी साहब 2004 से लेकर 10 तक के चेयरमैन सीडीए गुजरे हैं, और फ्रांस के हैं। उधर उन्होंने मॉडल विलेज देखे हैं, फिर वापस आकर इस गांव को रेनोवेट किया। अच्छा इस चीज़ को रेनोवेट उन्होंने किया? जी जी कमरान। अच्छा तो मुझे बताइएगा ये जो दरवाज़ा है ये भी 400 साल पुराना ही है या क्या इनको चेंज किया गया? 400 साल अगर ना हो तो 100 साल से ऊपर ही होगा। अच्छा 100 साल से ऊपर, 100 साल से ऊपर। हाँ मतलब जब से आपने होश संभाला आपने इसको इसी तरह देखा। जी जी। तो मुझे बताइएगा आप यहाँ पर किधर से आए? हम इधर इस्लामाबाद से आए हैं, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी से। तो स्पेशल आप यहाँ पे ये विजिट करने के लिए? हाँ बस इसके बारे में थोड़ा सा सुना था। क्या सुना था? ये पुरानी जगह है और इनको मेंटेन किया है, तो वो देखने आए थे। ठीक है, तो विजिट के लिए आए थे फैमिली के साथ। ठीक है, तो आपको कैसा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट, देखें पहले किस तरह होता था? हाँ मेंटेन अच्छा किया है इन्होंने, साफ़ सुथरा रखा है, तो अट्रैक्टिव भी लग रहा है। ठीक है, और साथ में ये जो होटलिंग वगैरह है तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक। तो यहाँ पे जो भी विजिटर्स आते हैं तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, के साथ रेस्टोरेंट भी करीब है। ठीक है, शुक्रिया।